अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक फूड फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं कुदरत के एक हसीन तोहफे और गर्मियों के एक शानदार सौगात फालसे के फ़वाद के बारे में, जिन्हें सुनने के बाद आप यकीनन फालसा ख़रीदने उठ खड़े होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। फालसा, जिसका साइंसी नाम ग्रेवी एशियाटिका है, कहा जाता है कि सबसे पहले वाराणसी इंडिया में दरियाफ्त हुआ और फिर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के जरिए एशिया और फिर रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में फैल गया। फालसे का पौधा, या जिसको आप छोटा दरख्त भी कह सकते हैं, 4.5 से 8 मीटर तक लंबा हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स, फालसे में आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, फाइबर, सोडियम, पोटासियम और फॉस्फोरस पाए जाते हैं। चलिए फालसे के फ़वाद के बारे में जानते हैं। फालसा जिगर और पित्ता, गाल ब्लैडर की बीमारियों में मुफीद, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखता है। फालसे का जूस बदहजमी और तेजाबियत को दूर करता है। ये जोड़ों के दर्द में फ़ायदेमंद है। ये खून की कमी से बचाता और खून को साफ करता है। ये सांस की बीमारियों, मसलन अस्थमा, फेफड़ों के वर्म में मुफीद है। फालसा मुख्तलिफ अकसाम के सूजन, बुखार और दिल की बीमारियों में मुफीद है। ये सनस्ट्रोक से बचाता, प्यास की शिद्दत में कमी लाता और गर्म मौसम से मुतालिक दीगर मसाइल में एक्सीलेंट है। इसके दरख्त की छाल डायरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। फालसे के दरख्त की जड़ की छाल जोड़ों के दर्द में मुफीद है। इसके पत्तों का पेस्ट जिल्द की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अपनी ज़िंदगी में कुदरती चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए और मसनूई चीज़ों से ज़्यादा बचिए। ये आप और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुश रखें और खुश रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।